हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ कैंटीन कुछ सामान लाने के लिए। तो प्लीज़ आप भी वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी बाहर के सामान में और कैंटीन के सामान में प्राइस में कितना फ़र्क रहता है। तो मैं जा रही हूँ लिफ्ट से, आ गई ग्राउंड फ्लोर पे। अब जल्दी जल्दी जा रही हूँ कैंटीन की तरफ। कैंटीन में घुसते ही मेरी नज़र पड़ी लेडीज़ के ब्यूटी सामान पे, तो मैं यहीं से शुरू हो गई। मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया लेडीज़ का, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मुझे ये लेडीज़ का सामान बहुत ही कम रेट में और अच्छा मिल रहा था, तो मैंने भी। और इसके बाद जब मैं आगे गई तो मैंने देखा कैंटीन में सामान भरा पड़ा था। इसका मतलब मुझे लगा मैं सही टाइम पे आई हूँ, नहीं तो कभी कभी लेट आते हैं तो सामान ख़त्म हो जाता है। तो मैंने महीने के हिसाब से ये आंवले का तेल लिया, जो मैं यही यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने देखा नारियल के भी छोटी छोटी पाउच पड़े थे, तो सर्दियों का टाइम आने वाला है आगे, तो मैंने ये लिया। और फिर ये मैंने कोलगेट ली। और फिर मैंने आगे देखा तो बच्चों के डायपर बहुत सारे थे, मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने नहीं लिए। पर रेट मैंने देखी इस छोटे वाले पाउच की 160 थी। मुझे नहीं पता ये किस रेट में आते हैं, अब आप ही देख लेना आपके हिसाब से जो और जब जानता मैंने है। यहाँ देखा तो यहाँ मेरी खाने की फेवरेट चटपटे चीज़ें थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से डाले पास्ते और नूडल्स, मैगी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। जो भी सामान चाहिए था वो सारे लेके अब आ गई काउंटर पे। ये दीदी जब तक सामने वाले भैया का पे ले रही है, तब तक मैं अपनी ट्रॉली सारी खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लग रही है, क्योंकि मुझे जाके बनाना है कुछ चटपटे। ये जो मैंने लिए हैं वो खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो बारिश के मौसम में जब चटपटे कुछ मिल जाए खाने को तो मजा ही आ जाए। इसलिए मुझे बहुत जल्दी लगी है कि कब ये दीदी मेरा पे ले और मैं कब जाके कुछ ना कुछ बना के खाऊं। तो ये सामने वाले भैया के पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, पे हो ही नहीं रहा है, और मुझे लग रही है जल्दी बहुत थोड़ी ज्यादा देर जाने वेट की। करने के बाद फिर आया मेरा नंबर, तो मैंने किया अपने सामान का पे और फिर आ गई मैं अपने घर। आपको वीडियो कैसी लगी? ये अगर आ रहा है मेरा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।